डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में कैदियों की जानब से हंगामा आराई के बाईस कैदी ग्रुप की सूरत में बैरकों की छतों पर चढ़ गए और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कैदियों का मौकफ था कि जेल हकाम अरसा 3 माह से इनकी अहलेहाना से मुलाकात नहीं करवा रहे और लॉकडाउन के नाम पर उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, न अदालती पेशी पर लेकर जाया जाता है। गुजरात पुलिस की भारी नफरी डीपीओ गुजरात सैयद तौसीफ हैदर, डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर हुरम शहजाद और आला हकाम मौका पर पहुंच गए। जेल में मौजूद हंगामा अराई में मुलव्वस कैदियों को कंट्रोल करने के लिए सैकड़ों पुलिस एहलकार गुजरात जेल पहुंचे और जेल को घेरे में ले लिया। जेल इंतजामिया और कानून नाफज करने वाले अदारे के एहलकारों ने कैदियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शैलिंग और हवाई फायरिंग की। कैदियों ने एहलकारों पर ईंटें और पत्थर बरसाए, जिस पर जेल पुलिस के 3 एहलकार और 2 कैदी जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी अमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। जेल में हंगामा आराई के बाद जिली इंतजामिया ने जेल चौक से लेकर DSP सिटी दफ्तर तक जेल रोड दोनों इतराफ से बैरियर लगाकर बंद कर दी। जेल में इंतहाई खतरनाक कैदी भी मौजूद थे। DPO गुजरात तमाम ऑपरेशन की निगरानी खुद करते रहे। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड और पुलिस एलर्ट फोर्स गाड़ियां गुजरात जेल पहुंच गईं। कैदियों ने जेल में आग लगाने की कोशिश की, जिस पर इंतजामिया ने आग पर फौरी काबू पा लिया। जिली इंतजामिया गुजरात पुलिस और जेल हकाम ने 10 बजे के बाद इंतजामिया की कोशिशें रंग लाई और कैदियों को पुरअमन तौर पर छत से उतार कर बैरकों में मुंतकिल कर दिया गया। इस मौका पर पुलिस ने कई कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात जेल में जारी हंगामा आराई तकरीबन 5.5 घंटे जारी रही। रिपोर्ट आतिफ भट्ट, GNI न्यूज गुजरात।